नमस्कार मित्रों, जीवेम सदा शतम। मनुष्य को 100 साल जीना चाहिए, लेकिन महर्षि वाग्भट आयुर्वेद के महान विद्वान, उन्होंने कहा है कि जो लोग शतायु होना चाहे यानी 100 साल जीना चाहे, दीर्घायु होना चाहे यानी लंबी आयु पाना चाहे, तो उन्हें थोड़ी सी बातों का जीवन में ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं, संक्षेप में एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वशक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्वरोगः। अर्थात नित्य हितकर आहार का सेवन करने वाला, सादा भोजन, ताजा भोजन, पवित्र भोजन, पवित्र मन से किया हुआ, तामसी भोजन ना हो, बासी ना हो, ऐसा भोजन अगर कोई सेवन करता है, पहला नियम तो यह है। दूसरा, सोच समझकर कार्य करने वाला। अगर आप लंबा जीवन पाना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे कार्य करने की आदत छोड़ दीजिए। सोच समझकर, समीक्षकारी, विषयों में अनाशक्त। बहुत सारे विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, आप सब जानते हैं, उनका सीमित प्रयोग, संतुलित, संयमित आपको लंबी आयु देगा। साथ में दान देने वाला, तन से, मन से, धन से, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ये आयु को बढ़ाता है। हानि लाभ में सम रहने वाला। अब जीवन है, हमेशा लाभ ही नहीं होगा, हर काम आपका सफल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप ही शिखर पे जाएं, बाकी लोग कभी ना जाएं, कभी आप नीचे आएंगे, कभी ऊपर जाएंगे। तो हानि और लाभ जब भी जीवन में हो, सम रहें। समत्व बहुत बड़ी चीज है कि सुख में, दुख में, भाव में, अभाव में सम रहें। यह मनुष्य का बहुत बड़ा गुण है, ऐसे आप भी अपनाइए। इसके अलावा सत्य परायण। अब सत्य परायण का क्या मतलब है? सत्य के मार्ग पर चलना। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसके ब्रेन का अलाइनमेंट ठीक रहता है, उसे ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती। सत्यवादी होना, सत्य के मार्ग पर चलना, अस्तो मासद गमय, ये यूं ही नहीं किया गया है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आखिरी समय तक आपके ब्रेन में सिकन नहीं आती। साथ ही आप ध्यान भी करें, योग भी करें, अच्छा खान पान भी रखें, तो जो आजकल लोग मानसिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, पार्किंसन की डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स हैं, इनसे बचेंगे। क्षमावान। अब सब लोग आपकी सेवा नहीं कर सकते, सब लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकते, अनेक लोग हैं, कोई एक तो है नहीं, तो आपको क्षमा करना होगा, इग्नोर करना होगा, आगे बढ़ना होगा, लोगों से बदला लेने की, उनकी बातों को संभाल के रखने की आदत छोड़ दीजिए, अगर लंबा जीवन जीना है तो। और आप पुरुषों की, आप तो पुरुष कौन है? जो हमसे बड़े हैं, ज्ञानी हैं, गंभीर हैं, अनुभवी हैं, उनकी सेवा करना। सेवा का मतलब उनके आदेश को मानना, उनसे प्रश्न पूछना, उनके प्रति विनीत रहना, थैंकफुल रहना, उनकी सेवा में उपस्थित रहना, क्योंकि वो
जो ज्ञानी हैं, गुरु हैं, विशेषज्ञ हैं, वो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमारे विचारों की रक्षा करते हैं, हमारे संकल्प की रक्षा करते हैं, और उससे एक मजबूत संकल्प से, उन आप्त पुरुषों की काउंसलिंग से, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, उनके प्रेडिक्शन से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो बड़े से बड़े संकटों से भी जीत लेते हैं। तो इसलिए अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो इन चीजों का अगर आप जीवन में पालन कर सकते हैं तो आप समझिए कि आप इस योग्य हैं कि 100 साल जी सकें। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।